नमस्कार, मैं वैद्य अभिजीत सराफ। वर्ष 2007 में डोंबिवली में आयुर्वेद व्यासपीठ की ओर से वैद्य अनंत धर्माधिकारी सर जी का निरूपण आयोजित किया गया था। हम सभी विद्यार्थी उस निरूपण में समाविष्ट हुए थे श्रोता की भूमिका में, और उस निरूपण से हम इतने भावुक और प्रेरित हुए कि हमने अगले ही महीने में, जहाँ पे हम पीजी कर रहे थे, वहाँ के वागोली के आयुर्वेद कॉलेज के प्रिंसिपल वैद्य सरदेशमुख सर जी को विनती करके वहीं पे 3 दिन का चरक संहिता का निरूपण धर्माधिकारी सर का आयोजित किया। और उसके बाद धर्माधिकारी सर हमारे वागोली के आयुर्वेद महाविद्यालय में हमें चरक संहिता पढ़ाने के लिए आने लगे। कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि धर्माधिकारी सर जी ने वैद्य सरदेशमुख सर जी को ऐसा पूछा कि कोई अगर विद्यार्थी होगा तो मुझे अमरावती जाना है, वहाँ निरूपण है, तो कोई मेरे साथ में अगर होगा तो अच्छा होगा। तो मैं उनका पीजी का स्टूडेंट था सर देशमुख सर का, तो उन्होंने मुझे कहा कि आज के बाद जहाँ जहाँ धर्माधिकारी सर जाएंगे आप उनके साथ जाने का, और जहाँ पे वो बैठेंगे वहाँ उनके पीछे बैठकर वो जो बोल रहे उनको सुनने का, उनको मदद करने का। तो पहला निरूपण 2008 में अमरावती में हुआ, और उसके बाद में ये निरूपणों का जो सिलसिला है, जो प्रक्रिया है, वो आज तक चल रही है। आज तक 154 निरूपण संपन्न हुए हैं। भारत के कई राज्यों में और कई महाविद्यालयों में निरूपण संपन्न हुए हैं, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर, ऑल इंडिया ऑफ आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट दिल्ली, जामनगर, उसके बाद में हसन, बेंगलोर का GAMC, उसके बाद ऐसे कई निरूपण कई जगह पे हुए, और कई निरूपण बहुत ही धार्मिक स्थलों पर भी हुए, जैसे चरक महर्षि का आश्रम जो देहरादून के पास है, धन्वंतरी जी की समाधि जो वेरावल में गुजरात में है, गांधीनगर में जहाँ पे अश्विनी कुमारों का मंदिर है, और नासिक में जहाँ पे प्रभु रामचंद्र जी का निवास हुआ था। ऐसे कई जगहों पर जो धार्मिक है, जहाँ पे आयुर्वेद के कुछ कार्य हुए हैं, ऐसे स्थलों पर भी ये निरूपण संपन्न हुए हैं। तो आज ये हम जो निरूपण हुए उसके कुछ दृश्य और उसके कुछ छायाचित्र आपके साथ संजोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। संसार समुद्र तार नौकाइदाभ्याम गुरु भक्तिदाभ्याम वैराग्य साम्राज्यद पूजनाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। कवित्ववाराशि निशाकराभ्याम गौर्भाग्यदावाम बुधमालिकाभ्याम दूरीकृतानं विपत्तिताभ्याम नमो नमः श्री नमो
प्रदाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। नृपाणि मौलि व्रजरत्न कांति सरित्विराज जश कन्यकाभ्याम नृपद्वयाभ्याम नतलोकपंक्तेः नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। पापांधकारार्क परंपराभ्याम तापन त्रयाहीन्द्र खगेश्वराभ्याम जाड्याभिसंशोषणवाणवाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। विवेक वैराग्य निधि प्रदान